बार बार पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका और रूस के बीच सीधा युद्ध हो सकता है, तो जवाब यह है कि यूक्रेन के महायुद्ध में दो ऐसे धमाके हुए हैं जो अब बहुत से समीकरण बदल सकते हैं। दरअसल पुतिन को लग रहा है कि रूस पर जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए सबसे बड़ा डर अब यही है कि क्या रूस और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया है। ये वो धमाका है जिसने तय कर दिया कि रूस और अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर बहुत जल्द हो सकती है। वर्ल्ड वॉर वाला धमाका, ये वो धमाका है जिसका धुआं मॉस्को में भी नजर आया। ये वो धमाका है जिसकी आवाज पूरे यूरोप ने सुनी। इस धमाके में ऐसा क्या है कि कहा जाने लगा है कि रूस और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध, मतलब अमेरिका और रूस अब एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। इस धमाके के पीछे क्या है वो देखने के पहले देखिए यूक्रेन ने एक और बड़ी गलती क्या कर दी है जिसे लेकर बाइडेन की टेंशन बढ़ गई है। बाइडेन को बिना बताए ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया जिसके लिए पुतिन अब बाइडेन को जिम्मेदार ठहराएंगे। यूक्रेन ने खेरसोन में रूस का एक मोबाइल रेडार स्टेशन उड़ा दिया है। ये रूस का आधुनिक ब्रेडल ई कोस्टल रेडार सिस्टम था और इसका शिकार करने वाला है वो रॉकेट जिसे अमेरिका से मिले हाईमार्स से दागा गया। नीप्रो नदी के पास तैनात इस रडार सिस्टम की कीमत 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। यूक्रेन ने इस पर हाईमार्स के रॉकेट से हमला किया और ये पूरी तरह तबाह हो गया। खेरसोन के मोर्चे पर यह रूस को बहुत बड़ा झटका है क्योंकि अब यूक्रेन के ड्रोन को ट्रैक करने वाली रूस की बहुत बड़ी दीवार टूट गई है। हाईमार्स यानी वो मल्टी रॉकेट सिस्टम जिसने यूक्रेन के युद्ध में रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हाईमार्स को लेकर रूस बहुत पहले एतराज जता चुका है, लेकिन तब अमेरिका को एहसास नहीं था कि ज़ेलेंस्की ऐसी भी गलती करेंगे। इस वक्त ज़ेलेंस्की ने पूरे दक्षिणी यूक्रेन में काउंटर अटैक तेज कर दिया है। उन्होंने इसका एक नया वीडियो भी जारी किया है जिसमें यूक्रेन की सेना बहुत ज्यादा आक्रामक है। इस वीडियो को डिटेल में देखने से पहले ज़ेलेंस्की की वो गलती देखी जिसे उन्होंने खास पुतिन को चिढ़ाने के लिए रिकॉर्ड किया और फिर उसे वायरल कर दिया। यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर दिया है। ये क्राइमिया को हवाई हमले से बचाने के लिए पुतिन का सबसे मजबूत कवच था और उसे आग के शोलों में तब्दील होते देख पुतिन वाकई बहुत बेचैन हुए होंगे। ये ऐसा धमाका है जिसमें पुतिन का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और उसकी मिसाइलें पूरी तरह खत्म हो गईं। क्राइमिया में तैनात रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 यहां से 500 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ देख रहा था। यहां से दक्षिणी यूक्रेन में हो रहे ऑपरेशन और हवाई हमलों पर नजर थी। ड्रोन ऑपरेशन को ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन यूक्रेन ने S-400 पर अपनी नेपच्यून मिसाइल से ऐसा वार किया कि कुछ नहीं बचा। इन हमलों के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें अमेरिका को शुक्रिया कहा जा रहा है। बाइडेन और ज़ेलेंस्की के हाथ मिलती हुई तस्वीरें हैं, तोप गोलों की सप्लाई का जिक्र है और आखिर में F-16 देने के लिए ज़ेलेंस्की ने कहा है थैंक यू यूनाइटेड स्टेट्स। पुतिन के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ज़ेलेंस्की के रक्षा मंत्रालय ने यह तस्वीर पोस्ट की है और बताया है कि अब तक रूस के 500 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा चुके हैं। अब यही पुतिन का गुस्सा एक निर्णायक फैसला कर सकता है। इन दो हमलों के बाद अब पुतिन दक्षिणी यूक्रेन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं।
क्राइमिया ब्रिज पर लगातार हमलों के बाद अब क्राइमिया के अंदर S-400 का तबाह होना और खेरसोन में रडार स्टेशन को ही उड़ा देना, ऐसे झटके पुतिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए अब उन्होंने पूरा ठीकरा बाइडेन पर फोड़ने का फैसला किया है। यानी रूस और अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर किसी भी वक्त हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एपिसेंटर काला सागर और क्राइमिया का इलाका बन सकता है। रूस ने काला सागर के ऊपर अमेरिका के विमानों को पहले ही वार्निंग दे दी है। रूस ने कहा है कि क्राइमिया की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी खतरा होगा रूस उसे मिटा देगा। क्राइमिया को लेकर पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हो चुके हैं। काला सागर की दहलीज पर वो किसी दूसरे देश के विमान को देखना नहीं चाहते। ऐसी वार्निंग वो पहले भी कई बार दे चुके हैं। काला सागर पर हुए एक एनकाउंटर को देखकर आप पुतिन की खतरनाक नीयत को समझ सकते हैं। ये 14 मार्च 2023 की बात है, जब काला सागर के आसमान में अमेरिका का एक ड्रोन ऐसा टारगेट बना कि उसकी आग और धुएं ने पूरी दुनिया को सुलगाने की तैयारी कर दी। पूरा यूरोप मानने लगा है कि काला सागर में हुआ वाकया वर्ल्ड वॉर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तब काला सागर के ऊपर अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ रहा था, तभी वहां गश्त लगा रहे रूस के दो सुखोई 27 विमान पहुंचे और उनमें से एक ने अमेरिका के ड्रोन के साथ कुछ ऐसा किया जो अमेरिका के लिए झटके से ज्यादा घनघोर बेइज्जती कही गई। रूस के सुखोई 27 फाइटर ने ड्रोन के ऊपर अपना फ्यूल डंप किया और फिर उसके आसपास करीब से ऐसा उड़ा कि अमेरिका का ड्रोन समंदर में क्रैश कर गया। फिलहाल बहस इस पर हो रही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब अमेरिका को रूस ने सीधे तौर पर सबक सिखाना शुरू कर दिया है। क्या रूस और अमेरिका के बीच अब डायरेक्ट युद्ध होगा? क्या ये जंग अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगी? अमेरिका ने दावा किया था कि तब उसका MQ-9 ड्रोन काला सागर के ऊपर अंतरराष्ट्रीय एयर स्पेस में था। उससे रूस का एक सुखोई 27 टकराया, जिसके बाद ड्रोन को क्रैश होना पड़ा। टक्कर से पहले सुखोई 27 ने ड्रोन पर ईंधन गिराया था और उसके आसपास खतरनाक तरीके से गुजरा था। यानी पुतिन अब अमेरिका को धमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब अमेरिका का ड्रोन गिरा तो जैसे एक तूफान उठा और फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा। हालात ऐसे बने कि 24 घंटे तक व्हाइट हाउस में सायरन बजता रहा। वॉशिंगटन DC से लेकर लंदन तक अमेरिका के ड्रोन पर हुए अटैक की चर्चा होती रही। देखा जाए तो कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया में जंग के कई फ्रंट खुल गए हैं।